मून ने गाजा के राफा इलाके में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर इजरायली बमबारी की कड़ी निंदा की है और इसे अनैतिक और आपराधिक कृत्य बताया है। एक बयान में श्री मून ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि गाजा में दोबारा लड़ाई भड़कने से मानवीय और स्वास्थ्य संकट और बढ़ गया है। इस बीच इसराइल ने कहा है कि उसने अपने अधिकतर थल सैनिक गाजा से हटा लिए हैं। सेना प्रवक्ता ने कहा कि गाजा में ज्यादातर सुरंगें नष्ट कर दी गई हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी यूनान प्रांत में आए भीषण भूकंप में 367 लोग मारे गए हैं, 1881 घायल हुए हैं। 6.5 तीव्रता का भूकंप भारतीय समय के अनुसार कल शाम लगभग 4:30 बजे आया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कल देर रात खबर दी है कि इस शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही हुई है। 20वें राष्ट्रमंडल खेल कल रात ग्लासगो में रंगारंग समारोह के साथ संपन्न हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की उपस्थिति में ऑल और वेसेक्स और राष्ट्रमंडल खेल